हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। द क्वेश्चन इज रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। अब रितु की जो स्पीड है और करंट की यानी पानी की जो स्पीड है वो हमें नहीं पता, तो हम ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ रितुज बोट, कि रितु की बोट की क्या स्पीड है, दैट इज एक्स किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ करंट यानी जो पानी है उसकी स्पीड कितनी है, वो हमने ले ली वाई किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि सपोज यहां से आप अपनी बोट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पानी इस तरह से बह रहा है। अब आपकी जो स्पीड की बोट की जो स्पीड है वो पानी की स्पीड की वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी व्हेन यू आर गोइंग अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड कम हो जाएगी, यानी पानी आपकी बोट की स्पीड को कम करेगा, तो हमारी स्पीड कितनी रह जाएगी, x माइनस वाई। और उसके उल्टा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारी बोट की स्पीड में पानी की स्पीड प्लस हो जाएगी, तब हमारी टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी स्पीड, x माइनस वाई। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। अब यहां पर x आपकी बोट की स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए तभी आप ऊपर जा पाओगे, नहीं तो पानी आपको ऊपर ही नहीं जाने देगा। सो इट इज x माइनस वाई, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन y यहां पर। नाउ वी नो दैट Distance is equals to speed into time. So distance क्या होता है, that is speed into time. So using this, first case में हमें कहा गया कि रितु downstream जा रही है 20 किलोमीटर, so distance कितना आ गया, so using first condition, तो हमारे पास using first condition distance है 20 किलोमीटर, वो चली गई। और कैसे जा रही है, डाउनस्ट्रीम, तो नीचे जाते हुए उसकी स्पीड कितनी हो गई, एक्स प्लस वाई, इंटू टाइम कितना लिया उसने, टू आवर्स। सो इट इज टू इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू, तो हमारे पास क्या आएगा, 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड में वो कहते हैं अपस्ट्रीम जा रही है 4 किलोमीटर, सो यूजिंग सेकेंड कंडीशन कितने किलोमीटर गए, डिस्टेंस 4 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ जा रही है तो स्पीड कितनी हुई, x माइनस वाई, इंटू अगेन टाइम कितना लिया उसने, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में 4 किलोमीटर ही जा पाई। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, सो 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ सॉल्विंग दीज टू, तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या आई, एक्स प्लस वाई, और दूसरी क्या है, एक्स माइनस वाई। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो एडिंग द टू इक्वेशन, वेन वी एड वी गेट 2x इज इक्वल टू 12, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, दैट इज 6। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी मिली, 6, तो यानी कि हमारी बोट की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। इसे हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो फर्स्ट में पुट करते हैं, तो 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज 10 माइनस 6, दैट इज 4। तो हमें क्या मिला कि बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम पानी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।